उसका दुरुपयोग हो रहा है और होता रहेगा कि विपक्ष को खत्म करने के लिए। यानी विपक्ष मुक्त भारत की कोशिश है और तभी जो है ये फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र का सामना हो सकता है। अगर इसको हासिल करना है तो बड़े संघर्ष हो रहे हैं लोगों की। अपना किसान संघर्ष हमने देखा, हमारे मजदूर भाई संघर्षों में है, ये निजीकरण के खिलाफ हर जगह बैंकों के स्ट्राइक हुआ, इंश्योरेंस का स्ट्राइक हुआ, LIC का हुआ, GIC का हुआ, आज BSNL का कोशिश कर रहे, कोयले के सेक्टर का हुआ, बड़े बड़े आंदोलन और संघर्ष चल रहे हैं। और कल ही फिर से किसान सब पहुंच चुके थे दिल्ली में कि जो वायदा किया था मोदी साहब ने जब ये कानून वापस लेने के समय, कृषि कानून वापस लेने के समय, वो MSP का उसको लागू नहीं कर रहे हैं, वो जो आश्वासन दिया था उसको मानते हुए अपने छात्र जो है पूरे देश भर में एक पूरी भारत यात्रा पे जुड़े हुए हैं ये नई शिक्षा नीति के खिलाफ, जो लोगों को वंचित कर रही है शिक्षा से। युवा संगठन सब सड़कों पे है ये कहते हुए मोदी साहब मेरा नौकरी कहाँ है। हमारे आंगनवाड़ी स्कीम वर्कर महिला ये सब आज जो है संघर्षों के अंदर डूबे हुए हैं। ये संघर्ष तो चल रहे हैं और मजबूत करना, लेकिन जब तक ये हिंदुत्व फांसीवादी हिंदुत्व राष्ट्र का जहर और वो हिंसा के आधार पर जो हमले जो कर रहे हैं हमारे संविधान पे और संवैधानिक संस्थाओं पे, ये भी साथ साथ मिलाकर अगर हम संघर्ष ना करेंगे तो इनको संघर्ष आपकी होती रहेगी, लेकिन चुनावों के अंदर इनकी तिगड़न के आधार पर पैसे के प्रभाव से या डरा के लोगों को चुनाव जीतो या चुनाव हारो बट सरकार बनाओ। अब इस तरीके से हाल चलती रहेगी तो सरकार जब तक उनके हाथ में होगा ये संविधान को बचाना मुश्किल। अगर उनको इससे हटाना है तो उनके लिए उनका कोशिश क्या है, लोगों तक सच्चाई ना पहुंचे, इसलिए मीडिया पे कब्जा। एक आज मीडिया जो सरकार की बात नहीं लोगों की भी बात कहती है उस मीडिया को हड़प लो, जैसे NDTV के साथ हुआ कल, और वहां पे सबसे पहले निशाना होगा ये रवीश कुमार को, उसको हटाना है क्योंकि वो अपना वो पूरा दिखाते रहता हूँ ये मोदी सरकार की जो जनविरोधी गतिविधियों को। तो मीडिया पे कब्जा, शिक्षा पे कब्जा, लोगों के चेतना पे कब्जा और आर्थिक सवालों पे संघर्ष करते रहिए आप, लेकिन जब तक इस चेतना को नहीं बदलोगे लोगों के अंदर, ये जहर भरी हुई अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत वाली चेतना, तब तक ये भी इसके खिलाफ भी संघर्ष इन आर्थिक संघर्षों के साथ नहीं जुड़ेगी, तब तक जो है इस भारत के संविधान को और अपनी संवैधानिक व्यवस्था को हम बचा नहीं पाएंगे। अगर ये काम करना है तो आज अपने को, अपनी पार्टी को, खास तौर से मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को और मजबूत करने की जरूरत है। और ये बात वो समझते हैं हमारे लिए राजनीतिक दुश्मन। त्रिपुरा में जब BJP ने इलेक्शन जीता, ये बात पहले भी बताया था मैं आपको, लेकिन आपके चेतना में इसको दुखाना चाहिए सही ढंग से। त्रिपुरा में जब उनके अपनी सरकार हारी और उनकी सरकार बनी, एक बहुत बड़ी जश्न मनाए थे दिल्ली में BJP। किसी ने BJP वाले ने ही पूछा कि इतनी बड़ी जश्न क्यों मना रहे हो, इतना सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हो, त्रिपुरा तो 2 MP बेचती है और 542 है देश में लोकसभा में, लेकिन इसके लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हो। तो जवाब क्या था, बेशक 2 MP भेजे लेकिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को राजनीतिक दृष्टिकोण से हराना जो है वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है, कामयाबी है, क्योंकि वही है जो सिद्धांतिक तौर पर, संगठनात्मक तौर पर हिम्मत के साथ इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और ये फांसीवादी योजना का सामना जो कर सकता है, वो मुख्य ताकत जो है वो है आपके CPIM और कम्युनिस्ट और वामपंथी तत्व।
इसलिए हमसे मजाक में आपको पार्लियामेंट में बताते रहते उनके नेता लोग, ले जाके दिखाते मुझे जो पार्लियामेंट में था, हमें इनसे कोई खतरा नहीं है, यानी बाकी विपक्ष से आधा से ज्यादा आ जाएंगे इस तरफ पैसे के प्रभाव से या धमकी के प्रभाव से, अब वो हो रहा है। और बोलते हैं अपनी छोटी सी जो बेंच है उसको दिखा के बोलते खतरा यहाँ से है, ना तुम लोगों को हम खरीद सकते हैं, ना तुम लोगों को धमकी से झुकते हो तुम, और अपने सिद्धांत पे तुम डटे हुए हो, और उसीलिए वो अपना दुश्मन पहचानता है उनका दुश्मन कौन। तो हमें अपने को पहचानना है, जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे वो हम लोग से हम भी बच नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला काम अपने आप को हमें मजबूत करना होगा। ये दोनों